चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इनहेरिटेंस। ठीक है, सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर ऑन कर दूँ आपका। टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर। फर्स्ट इज सिंगल, मल्टीपल, हायरार्किकल, मल्टी लेवल, हाइब्रिड। ठीक है, एंड मोर और सेम, ये थोड़ी सी सेम होंगी, बट सब में इनहेरिटेंस तो होगी होगी, बट सब में कुछ ना कुछ बेस थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट डिफरेंस आएगा, तो वो डिफरेंस हमने नोट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि उसी डिफरेंस पे हमने उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नाउ फर्स्ट विद सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस जिसमें एक सुपर क्लास और एक सब क्लास या एक पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास हो। ठीक है, सिंगल ही इनहेरिटेंस हो रही है। लास्ट टाइम जब जो हमने एग्जाम्पल की थी दैट इज ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस, जिसको लास्ट टाइम की एग्जाम्पल नहीं पता लगी थी तो मैं ग्रुप में देखता हूँ, अगर ग्रुप में शेयर की हुई है पीपीटी दैट इज गुड, अगर नहीं शेयर की तो मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। ठीक है, और ये वाली पीपीटी भी शेयर कर दूंगा। तो इसमें एक पेरेंट है और एक चाइल्ड है। ठीक है, लास्ट टाइम जो हम कर रहे थे वैसा ही है ये। तो इसमें सिंगल इन्हें सिंगल इनहेरिटेंस या सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहेंगे तो भी इक्वली है। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल मीन्स मोर देन टू क्लासेस। ठीक है, हमारे पास एक हमें एक पिक्चर डिजाइन करनी है जिसके लिए हमें एक तो कलर्स चाहिए और दूसरा हमें ज्योमेट्री की शेप्स चाहिए। तो दो हमारे पास दो जो जो बेस क्लासेस हैं उनको हमने इनहेरिट कर लिया एक पिक्चर क्लास में। तो अब पिक्चर क्लास में हम दोनों के ही फंक्शंस, दोनों के ही एट्रीब्यूट्स हम यूज कर सकते हैं, तो ये हमारा मल्टीपल। ठीक है, स्टूडेंट्स ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं मल्टीपल एंड मल्टी लेवल में। मल्टी लेवल नेक्स्ट आएगा, उसको भी ध्यान से देखना है। और इन दोनों को देखो, इनमें सिर्फ हमें क्या है, इनमें इसमें दो हमारे पास सुपर क्लासेस हैं और एक चाइल्ड क्लास है। ठीक है, दो सुपर क्लासेस हैं, एक चाइल्ड क्लास है जिससे ये डिराइव्ड हो रही है चाइल्ड क्लास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हायरार्किकल है। हायरार्किकल में इन्होंने सिर्फ एक लेवल बताया, इसके आगे लेवल भी बना सकते हो। इसके अगर आगे लेवल बताएंगे तो ये देखो, अब ए और बी का जो लिंक है वो उसने सिंगल लेवल इनहेरिटेंस उसमें की है, बट एक ही जो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस तीनों में हो रही है, बट तीनों ने एक ही क्लास को इनहेरिट किया है। ठीक है, तो इसको हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस कह देंगे। आगे जाके ये फर्दर डिवाइड हो जाएगी और पार्ट्स में। ठीक है, और जैसे हम देखते हैं इसकी एग्जाम्पल, नॉर्मली हम एग्जाम्पल लेते हैं, कॉलेज में प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के पास सारे कंट्रोल्स हैं और उसने कुछ कंट्रोल्स डिवाइड किए हैं टीचर्स के पास। ठीक है, और टीचर्स ने कुछ कंट्रोल्स सीआर को दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कंट्रोल्स हैं या जो हम कह रहे हैं कोई या वर्क कह रहे हैं, जो वर्क असाइन किए हुए, तो ये डिफरेंट वर्क जो असाइन किए हैं, सीआर को कोई वर्क असाइन कर दिया। उसके बाद अगर सीआर से देखा जाए तो कॉलेज पे ज़्यादा काम टीचर पे आ रहा है, और टीचर से जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले जो वर्क होते हैं, जो ओवरऑल ध्यान होता है वो तो प्रिंसिपल ने करता है। तो इस तरह से हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम मल्टीपल जो क्लासेस हैं वो एक ही क्लास को डिराइव कर रही है, एक ही क्लास जो बेस होगी। ठीक है, डायग्राम्स सुपर सिंपल है। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस में सिंगल दो बॉक्स बनाओ और बीच में एरो बना दो, और एरो पे इसमें लिखा नहीं है, इनहेरिटेंस में इनहेरिटेंस लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी इनहेरिटेंस लिख सकते हो एरोस पे, और ऊपर जो है वो बेस क्लास आप मेंशन कर सकते हो। हायरार्किकल में भी आपने वही चीज़ करनी है, ऊपर एक सुपर क्लास या बेस क्लास बता देंगे और नीचे क्लास नहीं बतानी, ठीक, ये सब क्लासेज है। मैं आपने ध्यान ये रखना है कि सुपर के साथ सब यूज करना है और पेरेंट के साथ चाइल्ड, ऐसे नहीं होना चाहिए कि सुपर है उसके बाद चाइल्ड यूज कर रहे। अंडरस्टैंडिंग में फिर भी आ जाएगा, बट कोशिश करनी है कि थोड़ी सिमेट्री सी बना के रखो, जो चीज जिसके साथ यूज होनी चाहिए उसके साथ ही कर। ठीक है, ये है मल्टी लेवल। आपके पास एक क्लास है
ठीक है, सुपर क्लास है, उसमें से आपने कुछ एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसमें से चीजें ले ली कुछ, और उसके बाद सब क्लास में डाल दी, सब क्लास से फिर उसको आगे फर्दर हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। इसकी एग्जांपल नॉर्मली होती तो क्या कहते हैं, हम डिफरेंट एग्जांपल ले सकते हैं, बट अगर हम ले जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जो विंडोज है, विंडोज हमारे पास पहले 7 है, ठीक है, उससे पहले हमारी डॉस थी, डॉस के बाद उसके पास हमारे पास विंडो एक्स थी, दूसरी विंडोज, डिफरेंट विंडोज आती रही, अब विंडोज 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है, ठीक है, ये सारी विंडोज जो आ रही हैं, इन पे देखो, इनमें बेसिक जो फंक्शनैलिटी है वो सेम है, ठीक है, उनकी ये नहीं है कि बिल्कुल फंक्शनैलिटी चेंज हो गई है, बट अब इसमें नए फीचर ऐड कर दिए हैं, और पुराने फीचर लेने के लिए वो पुरानी फीचर को ऐड किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ ऊपर डॉस है, डॉस जो सबसे पहले वाली विंडोज बनी है और जिसमें सिर्फ कमांड लाइन इंटरप्रेशन है, जिसमें हम कमांड्स देते हैं और आउटपुट आती है हमारे पास, उसके बाद उसने GUI वाली कोई विंडो आ गई, उसने ऊपर आगे उससे उसने एक्सट्रैक्ट कर दिया उससे, उसके बाद हमने नीचे और एक्सट्रैक्ट किया तो हमारी विंडो 10 आ गई मान लो इसमें, तो विंडो 10 में ये सारी चीजें हैं, विंडो 10 में भी आप कमांड लाइन यूज कर सकते हो, विंडो 10 में भी आपके पास टास्क बार है, सारी चीजें अवेलेबल है, तो ये इस तरह से फ्लो हो रहा है, इसे हम मल्टी लेवल कह रहे हैं, ठीक है, ये हमारी हाइब्रिड है, हाइब्रिड का इसने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, आप इसका स्ट्रक्चर कुछ और भी कर सकते हो, ठीक है, और स्ट्रक्चर में करना क्या है कि मोर देन वन इनहेरिटेंस किसी में भी कंबाइन कर दो तो उसे हाइब्रिड कह देंगे, मल्टीपल भी बना लो और मल्टी लेवल भी बना लो, ठीक है, तो उसे इनहेरिटेंस कह देंगे, इसने सिंगल इनहेरिटेंस बनाई है, ठीक है, उसके बाद एक और इनहेरिटेंस बना दी, तो यहाँ मल्टी लेवल हो रही है, यहाँ मल्टी लेवल बन रहे हैं उसके और यहाँ सिंगल इनहेरिटेंस भी आ रही है, दोनों के कॉम्बिनेशन जब कर लेंगे तो उसे हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहेंगे, ठीक है, ये थी आज के लिए, आज मैंने इसको लाइट ही रखा है, आपको इसलिए लाइट रखा है इसलिए क्योंकि इसके बारे में सोच लो, इसको दिमाग में बिठा लो थोड़ा, फिर हमने इसके प्रोग्राम्स बनाने हैं, तो हम एक ऊपर प्रोग्राम बनाएंगे, उसके कुछ वैल्यूज हम नीचे यूज करके दिखाएंगे, ठीक है, इसको जनरली हम बीच में कनेक्शन टूट गया था, ये नॉर्मली फर्स्ट क्लासेस में तो नहीं होता, बट जो भी 11-12 के बाद की क्लासेस होती हैं उसमें